अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपको रिव्यू देना चाहती हूँ एवलिन कॉस्मेटिक्स का, जो कि एडवांस डेली फेयरनेस क्रीम है। ये आपके फेस को HD ग्लो इफ़ेक्ट देती है और इनका जो क्रीम है वो ये है कि ये क्रीम इफ़ेक्टिव है रिडक्शन ऑफ डार्क स्पॉट्स के लिए। ये डे प्लस नाइट क्रीम है जो कि इमीडिएटली आपकी स्किन को विद इन वन डे आफ्टर एप्लीकेशन वन टोन लाइटर करती है। इसमें बेसिकली लाइम, विटामिन सी और कोकम्बर एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये क्रीम जो है नेचुरली आपको एक तरह का ग्लो देती है। अब इसके इन्होंने पैक पे भी यही चीज़ें मेंशन की हुई है, विटामिन सी, कोकम्बर और लाइम, जो कि आपकी स्किन को नेचुरली विदाउट केमिकल्स आपकी स्किन को ये बेहतर बनाती है। अभी इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये 40 ml में मौजूद है और ये बहुत ही रिजनेबल 300 to 350 के प्राइस में मार्केट में मौजूद है। ये मेड इन पोलैंड है और जो इसका ओरिजिन है वो है UK। अब मैं आपको इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में बताती हूँ। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में एक्वा, आइसोप्रोपाइल और ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, सिट्रस, परफ्यूम मौजूद हैं। इसके अलावा इसके बहुत से और केमिकल्स इसमें मौजूद हैं जो कि स्किन को फेयर करने के साथ साथ इसको स्किन को ज़रा ज़्यादा इसमें से पिंपल्स को ख़त्म करते हैं। मैंने इस क्रीम को तकरीबन पिछले 2-3 महीनों में इस्तेमाल किया है। मुझे क्रीम विदाउट एनी जिसे कह लें साइड इफ़ेक्ट स्किन पे अमल की है। अब मैं आपको ज़रा इसका टेक्सचर दिखा दूँ, मैं ज़रा हल्का सा अप्लाई करके दिखाऊंगी ताकि आपको इसका जो है ना माइक्रो लेवल पे ज़रा रिव्यू पता चल जाए। ये देखें, ये बहुत ही लाइट वेट है और यूँ लग रहा है कि इसके अंदर पानी है, पानी मौजूद है लेकिन ऑयल नहीं लग रहा ये इस टाइम हाथ लगाने से, और बहुत ज़्यादा ये लाइट वेट है। अब जब मैं इसको यूँ करती हूँ तो यूँ लग रहा है कि जैसे ये जेल टाइप है। ये देखिए, पहले मैंने जब इसको लगाया था तो ये बहुत ज़्यादा क्रीमी सा टेक्सचर लग रहा था, लेकिन ये देखिए, ये यूँ आफ्टर एप्लीकेशन मुझे ये फील हुआ है कि ये जेल है। और जेल मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया, इसको जब मैं मलती हूँ तो स्किन पे ये इस तरह से मतलब के लग रहे थे जैसे कुछ गीला गीला वेट चीज़ मुँह पर लगाई है, लेकिन इसके साथ साथ ये थोड़ा सा फेस को ग्रीसी सी स्किन को ग्रीसी सी लुक दे रहा है। तो फिर टच करने से लग रहा है कि कोई ग्रीस टाइप चीज़ लगी हुई है, जिस तरह से जस्ट लाइक एलोवेरा जेल, या ये जेल प्लस क्रीम है। ठीक है, ये कुछ देर बाद ये चेहरे पे बिल्कुल डिसअपेयर हो गई है, मतलब कि स्किन पे बिल्कुल डिसअपेयर हो गई है और चेहरे पर भी इसी तरह ही काम करती है। ट्रस्ट मी, इस स्क्रीन के इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं, आपकी इमीडिएटली आपकी स्किन को वन टोन लाइटर करती ही करती है। आप इसको खुद एक दफ़ा ट्राई करके देखें, ये आपकी स्किन को बहुत बहुत विद इन फ्यू डेज आपकी स्किन को बेहतर करेगी। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, मार्केट में मौजूद तमाम प्रोडक्ट से ये ज़्यादा सस्ती और अच्छा काम करती है। इम्पोर्टेड क्रीम है और लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो बाकी सस्ती क्रीमों से बहुत ज़बरदस्त है, और ये 110% आपकी स्किन को आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट करती है, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट मार्केट में इस टाइम जितनी भी क्रीम्स हैं उसके मुकाबले में, फेयरनेस क्रीम है उसके मुकाबले में इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ख़वातीन तो मस्ट रिकमेंडेड है। मैं थोड़ा सा अब आपको इसके बारे में बताऊं कि ये एक रंग गोरा करने वाली आम क्रीम का मुकाबला कर सकती है। रंग गोरा करने वाली आम क्रीम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव और बहुत ज़्यादा मतलब कि मिनिमम। हाँ, मैं आपको पता है मार्केट में जो जितनी भी क्रीम्स हैं उनमें स्टीरॉयड होते हैं, लेकिन इसमें स्टीरॉयड नाम की कोई चीज़ नहीं है।
और ये आपकी स्किन पे आप कुछ अर्से बाद महसूस करेंगे एक ग्लो आना शुरू करेगा। तो हाईली रिकमेंडेड क्रीम है, यू कैन गो फॉर इट। इट हैज़ क्रीमी प्लस जेल टेक्सचर, यू कैन अप्लाई एनी वेयर फॉर द लाइटर स्किन टोन। थैंक यू।